देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2228 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 19,637 हो गई है। रविवार को 2,704 नए केस मिले थे, जबकि शनिवार को 3,451 नए केस सामने आए। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 4.25 लाख मौतें हुई हैं। देश में मौजूदा रिकवरी रेट 98.74% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 0.95%। देश में सबसे अधिक 799 केस राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। यह मौत बीते 2 महीनों में सबसे अधिक है। इससे पहले 4 मार्च को सबसे ज़्यादा 4 मौतें दर्ज की गई थी। यह पॉजिटिविटी रेट 4.94% हो गया है। रविवार को 1,422 नए केस मिले और एक भी मौत नहीं हुई थी, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5.34% था। कानपुर IIT एक बार फिर से हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 10 दिनों से लगातार 25 नए केस सामने आए हैं और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद सभी संक्रमितों को एक हॉल में आइसोलेट कर दिया गया है। बाहर से आए लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।